हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश पांडे आप सबका पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज मैं सॉल्यूशन जो प्लस टू का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट, उसके पार्ट को आपको डिस्कस करने जा रहा हूं, दैट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कौन सॉल्युबिलिटी क्या होती है, फिर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड डिपेंड करती है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम हेनरी लॉ की बात करेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड, और उसी में हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। जैसे बोर्ड पे आप देख सकते हैं कि मैंने क्या बना रखा है, सॉल्युबिलिटी कर्व, तो उसको भी हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में जो अराइज होता है स्टूडेंट, वो होता है कि सॉल्युबिलिटी क्या है, सॉल्युबिलिटी टर्म को कैसे हम स्टडी करते हैं, पहले तो हमें यही दिमाग में आता है। तो सबसे पहले पॉइंट लेते हैं कि मान लो आपने एक गिलास पानी लिया और उसमें थोड़ा सा नमक घोला तो वो घुल जाएगा, उसमें और नमक डालोगे और घुल जाएगा, मगर एक लिमिट के बाद अगर आप उसमें नमक ऐड करना स्टार्ट करते रहेंगे थोड़ा थोड़ा, तो ये लिमिट के बाद घुलना बंद हो जाता है। तो वो लिमिट जिसके बाद व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और उससे पहले की जो स्टेट होती है उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हम उन सॉल्यूशन को कहते हैं जिसमें हम मोर सॉल्यूट और डिसॉल्व कर सकते हैं। तो जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन स्टूडेंट जब बनता है तो उस टाइम पे कितना सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है किसी लिक्विड के अंदर, सॉल्वेंट के अंदर, उसी को हम उसकी क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी को जो हम डिफाइन करते हैं स्टूडेंट, तो वो क्या करते हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिसॉल्व, हमने पर्टिकुलर अमाउंट ले लिया डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट टू मेक सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, ध्यान रखें, सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी, इज कॉल्ड इट सॉल्युबिलिटी। तो यहां पे आप देख सकते हैं मैंने यूनिट्स भी क्या दिए हैं सॉल्युबिलिटी के, ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यानी 100 ग्राम अगर मेरे पास सॉल्वेंट है तो उसमें कितने ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है वो उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है स्टूडेंट। तो याद रखिए, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट ये इक्विलिब्रियम अटेंड हो जाता है और बन जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो जब सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है स्टूडेंट, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डिसॉल्यूशन, क्या बोलते हैं, डिसॉल्यूशन। और जब ये पूरा प्रोसेस एक इक्विलिब्रियम अटेंड कर लेता है व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन डिसॉल्व, तो उसके बैक प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। आप सबको मैंने पहले ही बता रखा है कि जो होल सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है उसको जब हम कूल करते हैं तो जो मैक्स और एक्स्ट्रा अमाउंट जो आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन से एक्स्ट्रा उसमें डिसॉल्व किया वो सारा क्या हो जाता है, सॉलिडिफाई होता है, उसी को हम बोलते हैं क्रिस्टल्स, क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब हम ऐड करते हैं स्टूडेंट, तो पहले क्या होता है, डिसॉल्यूशन, मगर उसके बाद अगर सॉल्यूट डालेंगे तो बैक वापस आना शुरू हो जाएगा और सॉल्यूशन से इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम अटेंड हो जाता है डिसॉल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन का। तो जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है स्टूडेंट वही हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, और सैचुरेटेड सॉल्यूशन पे जितना अमाउंट हमने सॉल्यूट का डिसॉल्व किया है वो उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। डिफरेंट डिफरेंट सॉलिड की जो सॉल्युबिलिटी है वो डिफरेंट होती है, क्यों होती है अब हम वो बात करते हैं। तो सॉल्युबिलिटी आपको समझ आ गया स्टूडेंट क्या है, अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। तो बेसिकली दो ही फैक्टर हम लेके चलते हैं, थर्ड फैक्टर जो प्रेशर है उसकी बात हम यहां नहीं करते हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि सॉलिड और लिक्विड आर लेस कंप्रेसिबल, इनकंप्रेसिबली हम मान के चलते हैं, इसलिए हम प्रेशर का यहां पे इफेक्ट की बात नहीं करेंगे। पहला इफेक्ट आता है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो जैसे ही हम स्टूडेंट सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं, आपके माइंड में हमेशा एक फार्मूला आ जाना चाहिए, जब भी सॉल्युबिलिटी का कभी भी कोई कॉन्सेप्ट आपको कहे, चाहे ऑर्गेनिक की बात करें इनऑर्गेनिक के अंदर, तो सबसे पहला रूल क्या आता है सॉल्युबिलिटी में, लाइक डिसॉल्व लाइक, वही यहां पे लग रहा है स्टूडेंट, लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी जो जैसा है वो वैसे में घुलेगा। ठीक है, हम अपने फ्रेंड जो बनाते हैं वो भी कैसे बनाते हैं, जैसे हम हमारे विचारों का जो व्यक्ति होता है हम उसी को अपना फ्रेंड बनाते हैं, जिनसे हमारे विचार नहीं मिलते उन्हें हम कभी अपना फ्रेंड नहीं बनाते। तो वही रूल यहां पे भी चलता है, जो पोलर सॉल्यूट हैं, पोलर कंपोनेंट हैं या पोलर सॉल्यूट, जैसे कि अगर मैं बात करूं NaCl, KCl, तो जितने भी आगे पोलर आयन कंपाउंड जनरली पोलर्स होते हैं, जो पोलर सॉल्यूट है दे डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट,
पोलर सॉल्वेंट, जैसे वाटर, वाटर के अंदर आपको पता है इजिली NaCl KCl डिसोल्व रहता है, और जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं जनरली, अब ये भी दो टाइप के होते हैं, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। जो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो तो वाटर के अंदर डिसोल्व हो जाते हैं, मगर जो नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, अगर पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है डिसोल्व इन वाटर बट इन लेस एक्सटेंट देन आयनिक सॉलिड, क्योंकि इनके अंदर जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जनरेट होते हैं, मैं फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन की बात करने वाला हूं, तो वो क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, कोवेलेंट कम होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि मान लो मेरे पास NaCl है, मैंने वाटर के अंदर डिसोल्व किया, और एक मैंने ले लिया आपको कोई भी ले लू इथेनॉल लिया, उसको ही वाटर में डिसोल्व किया, तो ज्यादा सॉल्युबिलिटी स्टूडेंट किसकी रहती है, NaCl की, क्योंकि NaCl क्या है, आयनिक कंपाउंड है। इथेनॉल भी सोल्वल है, आपको पता है वाटर में डिसोल्व रहता है, मगर उसकी सॉल्युबिलिटी इससे क्या होगी, कम होगी। अब इसी तरह जो कोवेलेंट में नॉन पोलर, अगर मेरे पास कोई सोल्यूट पार्टिकल है वो इजिली डिसोल्व किसमें होगा, नॉन पोलर ऑर्गेनिक सोलवेंट, ऑर्गेनिक सोलवेंट, जैसे कि बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड एक्सेट्रा, ये इसमें ज्यादा सोल्वल होंगे। अगर मैं आयोडीन की बात करूं तो आयोडीन इथेनॉल में और वाटर, वाटर ज्यादा पोलर है इथेनॉल कम है, मगर फिर भी आयोडीन क्योंकि नॉन पोलर है तो ये इसमें इथेनॉल में ज्यादा सोल्वल होगा और वाटर में क्या होगा, कम सोल्वल होगा। तो कहने का मेरा क्या मतलब है कि जितना ज्यादा पोलर आपका सोल्यूट होगा वो उतना ज्यादा पोलर सोलवेंट में डिजोल्व होगा, कम है तो कम सोल्वल होगा, और अगर नॉन पोलर है तो वो पोलर सोलवेंट में ना डिजोल्व होके नॉन पोलर सोलवेंट में डिजोल्व होगा। तो ये सारा मैंने आपको बताया नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट। अब हम जो नेक्स्ट पॉइंट करने वाले हैं बड़ा इंपॉर्टेंट, कि सर ऐसा क्यों होता है, व्हाट इज द काज ऑफ लाइक जो लाइक, ऐसा क्या रीजन है कि जो पोलर है वो पोलर सॉल्वेंट में डिसोल्व हो रहे हैं, नॉन पोलर नॉन पोलर में, तो वन बाय वन में डिस्कस करता हूं। पहले हम बात करेंगे पोलर की, पोलर सॉल्यूट जो होते हैं, जैसे मान लो स्टूडेंट बात करें NaCl, अगर आपसे मैं कहूं कि NaCl को आपने वाटर में डिसोल्व किया तो घुल गया, तो क्यों घुल गया, तो आप कहेंगे सर क्योंकि नमक आयनिक, अब ऐसे जर्मेनियम क्या कहते हैं, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसा इस्तेमाल तब करते हैं जब हमारे पास कोवेलेंट पोलर सॉल्वेंट होता है जनरली, उस केस में हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में केवल वही सोल्वल होते हैं जो वाटर के साथ क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, मगर जो आयनिक सॉलिड है दे डू नॉट शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्टिल दे आर सोल्वल इन वाटर। जैसे NaCl की बात करूं तो NaCl हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता बट वो सोल्वल है, तो ऐसे कौन सी फोर्स है जो जिसके ऊपर वो रिस्पॉन्सिबल है सोलबिलिटी के लिए, तो उसकी बात करते हैं स्टूडेंट। तो मान लीजिए मैं कह रहा हूं मेरे पास NaCl है, तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो एक्चुअल में जब हम NaCl को वाटर में डिसोल्व स्टूडेंट करते हैं तो ये क्या करता है, ध्यान, ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है OHH। अब आपको पता है वाटर के पास दो पार्ट है स्टूडेंट, कौन से, पोलर और नॉन पोलर, आयनिक और कैटायनिक। जैसे इसका नेगेटिव पार्ट है, वाटर का जो नेगेटिव पार्ट है वो सोडियम आयन के साथ, और इसका जो पॉजिटिव पार्ट है वो ऑक्सीजन के नेगेटिव के साथ, और यहां पे कौन सी न्यू फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जनरेट होती है ये समझने वाली बात है, जो मैंने अभी आपको कहा है, आयन डाइपोल इंटरैक्शंस, आयन डाइपोल इंटरैक्शंस की वजह से NaCl वाटर के अंदर डिसोल्व होता है। अब उससे हुआ क्या स्टूडेंट, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझिए, और कई बार हम एक लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, आप कहते हैं Na पॉजिटिव एक्वस, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ Na पॉजिटिव एक्वस, Na पॉजिटिव एक्वस का मतलब होता है ये हाइड्रेटेड सोडियम आयन है। हाइड्रेटेड सोडियम आयन का मतलब क्या है कि सोडियम आयन वाटर मोलिक्यूल से घिरा हुआ है, जैसे कि यहां पे आप देख सकते हैं, तो ये जो यहां पे हाइड्रेटेड आयन, ये पूरा जो आयन बना है स्टूडेंट, इसी को हम सिंपली क्या कर देते हैं, Na पॉजिटिव एक्वस है। अब ये मेरा हाइड्रेटेड आयन बन गया। इसी तरह जो Cl नेगेटिव है, ये वाटर के कौन से पार्ट को अट्रैक्ट करेगा स्टूडेंट, आप कहेंगे सर जो पॉजिटिव पार्ट है, वाटर का पॉजिटिव पार्ट क्या है, हाइड्रोजन, और इनके बीच में भी कौन सी फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जनरेट होगी, आयन डाइपोल। तो इसी तरह एक क्लोरीन आयन लार्ज नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल से घिर जाता है और उसी को स्टूडेंट हम क्या बोलते हैं, Cl नेगेटिव एक्वस आयन। अब जब ये एक्वस आयन बन जाता है तो एक्चुअल में होता क्या है, बड़े ध्यान से समझने वाली बात है, कि जो वाटर है वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बीच में शील्ड क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से री यूनियन
ऑफ आयन डू नॉट टेक प्लेस, यानी सोडियम आयन क्लोरीन आयन के साथ में दोबारा NaCl ही बना रहा है, सोडिफाइड नहीं हो रहा है। अब ये अलग अलग हो गए, इनके फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को एक्चुअल में ब्रेक करता है क्या, वाटर मॉलिक्यूल्स। तो जब वाटर मॉलिक्यूल्स किसी आयन के पास जाता है, हाइड्रेटेड होता है, तो उस टाइम पे एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। कई बच्चों के माइंड में क्वेश्चन हमेशा उठता है, सर ये हाइड्रेशन एनर्जी क्या है? तो वो कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया कि हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन आयन इज हाइड्रेटेड। जब एक आयन हाइड्रेटेड होता है तो उस टाइम पे जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। क्लियर है मेरे ख्याल से आप सबको। अब हम बात करते हैं इसी तरह से CNN के बारे में। तो यहाँ पे दो फैक्टर काम करते हैं स्टूडेंट, एक और वर्ड होता है आपको पता होना चाहिए, लैटिस एनर्जी। नेक्स्ट क्या है, लैटिस एनर्जी। अब लैटिस एनर्जी क्या होता है स्टूडेंट, उसको समझिए आप। लैटिस एनर्जी के केस में क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक एन आयनिक कंपाउंड इनटू इट्स आयन, द सोडियम NaCl है, तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में जब ये डिसोसिएट हुआ तो उसको तोड़ने के लिए जो मुझे एनर्जी देनी पड़ी उसी को हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी। तो इसमें मुझे एनर्जी देनी पड़ रही है, हाइड्रेशन एनर्जी में एनर्जी रिलीज हो रही है। लैटिस एनर्जी की एक डेफिनेशन और होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन आयन कंबाइन टू फॉर्म एन आयनिक कंपाउंड, वो अलग बात है, वो हमें यहाँ पे बात नहीं करनी। यहाँ बात करें लैटिस एनर्जी की, इस केस में लैटिस एनर्जी की जो हम बात करें, ब्रेक करते हैं जब किसी हम आयनिक कंपाउंड को उसके आयन्स में, तो जो एनर्जी देनी पड़ती है उसको लैटिस एनर्जी। और यहाँ पे न्यू एनर्जी और जनरेट हो रही है, हाइड्रेशन एनर्जी। अब बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और कॉम्पिटेटिव पॉइंट बता रहा हूँ, याद रखना, कभी भी केवल वही आयनिक कंपाउंड वाटर में सोल्युबल होते हैं अगर एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ग्रेटर देन एंथैल्पी ऑफ लैटिस एनर्जी। या मैं ये कह दूं कि अगर हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू लैटिस एनर्जी से ज्यादा होगी तभी केवल आयनिक कंपाउंड वाटर में सोल्युबल होगा, अगर किसी केस में लैटिस एनर्जी ज्यादा है और हाइड्रेशन एनर्जी कम है तो वहां पर सोल्युबिलिटी की बात हम नहीं करते। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद है कि एज ग्लोब में इसके हम एक्सेप्शन भी बात करेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको ये सारा पॉइंट अच्छी तरह समझ आ गया, क्यों लाइक जोन लाइक की हम बात करते हैं। जब नॉन पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर सोल्यूट आते हैं स्टूडेंट, तब क्या होता है, नॉन पोलर सोल्यूट एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट की जब हम बात करते हैं तब क्या होता है, ध्यान रखना बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। इनके अंदर क्या होता है, सोल्यूट सोल्यूट, सोल्यूट सोलवेंट और सोलवेंट सोलवेंट, ये सेम इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं। जैसे हम वो कहते हैं कि वीक वन डर वाल फोर्स है, तो सेम फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन होने की वजह से ये आपस में क्या होते हैं, डिजोल्व होते हैं। तो मैंने आपको दोनों कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए हैं कि क्यों कैसे ये डिजोल्व होते हैं और उस टाइम क्या होता है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहला फैक्टर समझाया है, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट इन डिटेल। अब हम बात करेंगे जो मैंने कर्व बना रखा स्टूडेंट, सोलिबिलिटी कर्व, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अगर मैं कॉम्पिटेटिव बात करूं, ये कर्व बहुत ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है, यहां से काफी क्वेश्चन बनते हैं, तो ढंग से आप इसको समझेंगे और एंड तक वीडियो बने रहे तभी आपको ये समझ आया कि मैं इतनी जो आपके लिए इंफॉर्मेटिव चीजें लेके आया हूं ये आपको तभी बेनिफिट होगा जब आप एंड तक बने रहे। जिन स्टूडेंट ने इससे पहले की वीडियो देखी उसके लिंक आपको एंड स्क्रीन पे और या आई बटन पे मिल जाएंगे। तो हम बात करते हैं सोलिबिलिटी कर्व की स्टूडेंट, तो सोलिबिलिटी कर्व के हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करेंगे। अब जब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर आता है तो हम जो हमारे पास सोल्यूट है उनको तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं स्टूडेंट, देयर आर थ्री कैटेगरीज इन विच वी डिवाइड सोल्यूट पार्टिकल्स। जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ केसेस में कर्व क्या जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ध्यान से देखिए। तो इसका मतलब है कि जब मैं टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूं तो सोलिबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जैसे कि मैं AgNO3 की बात करूं, KI की बात करूं, KNO3 की बात करूं, NaNO3 की बात करूं, तो इस केस में जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं सोलिबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। मगर अगर मैं बात करूं सीरियम सल्फेट, लिथियम सल्फेट, इन केस में टेम्परेचर बढ़ाने से सोलिबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और ये जो नीचे मैंने कर्व बनाया ये डिसकंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस कर्व है। यहां पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज हो रहा है। यानी तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक में कंटिन्यूअसली इंक्रीज, एक में कंटिन्यूअसली डिक्रीज, थर्ड क्या है, जो डिसकंटिन्यूटी शो करते हैं। अब ऐसा क्या है कि ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कर्व बन रहे हैं स्टूडेंट,
तो समझते हैं बड़े इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कैटेगरी, इफ सोल्यूट ऑन डिसोल्यूशन, ऑन डिसोल्यूशन विथ सोलवेंट एंडोथर्मिक इन नेचर, एंडोथर्मिक इन नेचर, कहने का क्या मतलब है स्टूडेंट, जैसे NaCl प्लस वाटर, ठीक है ना, मैंने कहा यू NaCl सॉल्यूशन बन गया, NaCl सॉल्यूशन। तो इस केस में जो ये प्रोसेस है स्टूडेंट वो क्या है, एंडोथर्मिक है, फॉरवर्ड एक्शन क्या है एंडो और बैकवर्ड क्या है एक्सो। तो जब अगर मेरा सोल्यूट, जैसे कि हम बात करें NaCl की, KNO3 की, KCl की, AgNO3 की, KI की, ये सब सोल्यूट पार्टिकल जब वाटर में डिसोल्व होते हैं और इक्विलिब्रियम जब अटेंड होता है तो फॉरवर्ड प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक है। अब आप लोगों को इलीचटली प्रिंसिपल अगर ध्यान है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं ध्यान तो उसका भी लिंक में आपको एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा, आपको वहां से आप लीचटली प्रिंसिपल पढ़ सकते हैं। तो लीचटली प्रिंसिपल क्या कहता है, ध्यान सुनिए, दो लाइन याद कर लीजिए बस, इफेक्टिव टेम्परेचर में क्या, एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर ऑलवेज फेवर एट हाई टेम्परेचर एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस आर ऑलवेज फेवर एट लो टेम्परेचर। अब हमारा फॉरवर्ड क्या है, एंडो है, तो इसका मतलब मुझे टेम्परेचर क्या चाहिए, हाई। तो टेम्परेचर बढ़ाने से इन सोल्यूट पार्टिकल्स की सोल्युबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज, इसलिए कर्व आपका स्टूडेंट क्या जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है। तो इन सबके कर्व आपके क्या जाएंगे, अपवर्ड। अब सेकेंड कैटेगरी क्या होती है, इफ सोल्यूट पार्टिकल ऑन डिसोल्यूशन आर एक्सोथर्मिक इन नेचर, अगर वो एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक का मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, अगर आपका सोल्यूट, जैसे कि आप सीडियम सल्फेट की बात कर सकते हैं, आपने वाटर के अंदर डाला सीडियम सल्फेट सोल्यूशन बन गया, ठीक है, तो जो ये सीडियम सल्फेट आपका स्टूडेंट सोल्यूशन बना है ये फॉरवर्ड एक्सो है और ये एंडो है। अब इस केस में क्या होगा आप समझ सकते हैं, आपने सर अगर ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो इसका मतलब मुझे टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा, तो जब टेम्परेचर घटेगा तो इसकी सोल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जैसे लिथियम सल्फेट, सीरियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, ये भी क्या करता है स्टूडेंट याद रखना, डिक्रीज ट्रेंड शो करता है विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। और लास्ट अगर हम बात करें डिसकंटिन्यूटी की, आपको कुछ हमारे पास ऐसे क्या कहते हैं सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं सोल्यूट जो कि क्या करते हैं कंटिन्यूटी शो नहीं करते हैं, कुछ टाइम पे डिफरेंट, जैसे कि मैं अगर अमोनियम नाइट्रेट की बात करूं, अमोनियम नाइट्रेट ये पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब एक से ज्यादा फॉर्म में पाया जाता है अल्फा एंड बीटा। अब जो है अमोनियम नाइट्रेट ही मगर जो इसकी अल्फा फॉर्म है, जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो अल्फा और फिर ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है बीटा में, तो दैट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर हम देख रहे हैं यहाँ पे अल्फा फॉर्म में फिर किसमें हो गया बीटा में, तो ये कंटिन्यूटी शो नहीं कर रहा। इसी तरह जिनके पास जो हाइड्रेट्स होते हैं जैसे फेरस सल्फेट 7H2 है, इसको हमने हीट किया, तो हमने जब हीट किया उसमें जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं सोल्युबिलिटी इंक्रीज कर लिया, मगर जैसे ही 61.8 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा जो इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर है 61.8 डिग्री, उसके बाद ये किसमें कन्वर्ट हो गया फेरस सल्फेट 4H2 में, 3 वाटर मॉलिक्यूल लूज करें, उसके बाद इसकी सोल्युबिलिटी क्या होगी डिक्रीज, तो वाटर ये लूज करते हैं। इसी तरह देखिए कैल्शियम क्लोराइड 6H2O हीट किया यहां तक इंक्रीज करी, फिर ये किसमें कन्वर्ट हो गया कैल्शियम क्लोराइड 4H2O, फिर किसमें कन्वर्ट हो गया कैल्शियम क्लोराइड 2H2O। तो जब ये चेंज होते रहते हैं तो उसकी वजह से इनके अंदर टेम्परेचर के अंदर चेंजेस आते हैं जिसको हम ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलते हैं। इसी तरह सोडियम सल्फेट कॉम्पिटिशन पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, इसका टेम्परेचर याद रखना 32.40 डिग्री सेल्सियस ट्रांजिशन टेम्परेचर है। तो सोडियम सल्फेट के केस में क्या होता है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो 32.4 डिग्री सेल्सियस तक तो ये क्या करता है स्टूडेंट इंक्रीज करता है, आफ्टर दैट इट गेट कन्वर्ट इन टू सोडियम सल्फेट एंड देर इज ए डिक्रीज इन सोलबिलिटी विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, and both curve are called solubility curve that is continuous and that is incontinuous। मुझे उम्मीद है कि लेक्चर आपको काफी पसंद आया होगा, समझ भी आया होगा, और कहीं पे अगर आपको डाउट फील होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं उसका आपको सॉल्यूशन जरूर दूंगा। ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।